सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। हम लोग लेक्चर पर बात कर रहे हैं, लेक्चर सीरीज सॉरी इंटेलिजेंस पर बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का सेवेंथ लेक्चर है आज। और इंटेलिजेंस में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात चल रही है, जिसमें से कई थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, गिलफर्ड्स एसओआई मॉडल, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट है। गिलफर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के नाम से बहुत पूछा जाता है ये सवाल, कोई भी तरीके का आप एग्जाम दे रहे हो, इससे बहुत सवाल आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आपको रोचक लगेगा इसको जानकर। और ये वीडियो यूजफुल रहेगा कई तरीके के टीचिंग एग्जामिनेशन में, क्योंकि इंटेलिजेंस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर बहुत प्रश्न बनते हैं। ओके, सो दिस वीडियो विल बेस्ड ऑन गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एंड जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर एजुकेशन। एंड आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद एंड इट इज माई ईमेल आईडीज। सो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल माई वीडियोज इन फ्यूचर टू। ओके, सबसे पहले जैसे कि हमने आपसे वादा किया है कि ये हमारा वीडियो हमेशा लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा, ताकि कंटेंट इंग्लिश में और उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में, ताकि दोनों भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को इससे लाभ हो। तो सॉरी, गिलफर्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले जाने गिलफर्ड महोदय के बारे में। तो इनका पूरा नाम है जॉय पॉल गिलफर्ड और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए। हम लोग इसके पहले जितने पढ़ रहे थे वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, इसीलिए उनसे कहा जा रहा था ना कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट ने फैक्टर एनालिसिस पे बहुत काम किया है। तो ये जॉय पॉल गिलफर्ड जो है हुए, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और किस लिए याद किए जाते हैं, बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर इट्स साइकोमेट्रिक स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मनुष्य की बुद्धि का इसकी साइकोमेट्रिक अध्ययन के लिए ये मुख्य रूप से याद किए जाते हैं। और आपको याद दिला दें कि हमारी आज की थियरी भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंतर्गत आती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में सिर्फ तीन है, कौन कौन सी, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, फिर आपकी सॉरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायार्की थ्योरी और पास थ्योरी, जिसमें से पास थ्योरी थोड़ा सा लेटर उसको आप कह सकते हैं पॉपुलैरिटी मिली है, या जनरली हमारे सिलेबस में नहीं होता था, अब इंक्लूड हुआ है, लेकिन गार्डनर और स्टर्नबर्ग बहुत पूछा जाता है। तो जॉय पॉल गिलफर्ड के बारे में ये बात। फिर ये कितने महत्वपूर्ण रहे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अ रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी, एक सर्वे पब्लिश हुआ 2022 में, उसमें गिलफर्ड आपको 27th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी चुना गया है। 27th मोस्ट साइटेड है ना, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इनको पढ़ा जाता है और साइट किया जाता है। फिर जो इनका SOI मॉडल है वो कब प्रेजेंट हुआ है, सबसे पहली बार 1955 में। और 1955 में कहाँ, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी फैक्टर एनालिसिस पे, कहाँ, पेरिस में। तो पेरिस में 1955 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी फैक्टर एनालिसिस पे, उसमें सबसे पहली बार ये SOI मॉडल पेश किया गया। फिर ही यूज्ड दिस मॉडल टू सजेस्ट वेयर न्यू एबिलिटीज माइट बी डिस्कवर्ड, मच एज द पीरियोडिक टेबल हैड बीन यूज्ड अर्लियर टू लोकेट न्यू केमिकल एलिमेंट्स। जितने भी लोगों ने साइंस में मेनली केमिस्ट्री पढ़ा है या बेसिक लेवल पे भी उन्होंने साइंस और केमिस्ट्री को पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल उसका बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर होता है। तो उसमें क्या बताया है मेंडलीव साहब ने, उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बताई और बताया कि ये गुण अगर होंगे तो भविष्य में भी केमिकल एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा सकते हैं, उनके लिए भी जगह है उसमें। उसी तरीके से इनका जो मॉडल है वो हमको बहुत सारी एबिलिटीज बताता तो है, साथ ही वो भविष्य की बहुत सारी एबिलिटीज जो नहीं ढूंढी गई है या जो भविष्य में ढूंढी जा सकती है उनके लिए भी स्कोप खोलता है। तो इनका ये मॉडल एक तरीके से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से भी सिमिलैरिटी शो करता है। फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ही बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन कैन बी ट्रेन्ड टू बी स्मार्टर, यानी कि बालकों को विद्यार्थियों को स्मार्ट होने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। और उनका मोटो क्या था, इंटेलिजेंस एजुकेशन इज इंटेलिजेंट एजुकेशन। ओके, फिर ये 1950 में एक APA
हम लोग एपीए हम लोग पढ़ते हैं ना, हमें रेफरेंस में एपीए स्टाइल, तो एपीए वो यही अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ही एब्रीविएशन होता है। तो 1950 में एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दे रहे थे वो एपीए में, तो वहां उन्होंने इसको डिस्कस किया कि क्रिएटिविटी जो है एक रिसर्च टॉपिक के रूप में उसको डिस्कस किया, और ये बताया कि इस पर बहुत कम काम हुआ है। तो ये कहने का मतलब कि क्रिएटिविटी पे भी इनका काम है। और ये दो मुख्य इनके आर्टिकल्स, उनकी इनके पब्लिकेशंस हैं, कौन कौन से, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो 1967 में पब्लिश हुआ है, एंड वे बियॉन्ड द आईक्यू, ये 1977 का पब्लिकेशन है। ओके तो इतना इन जन ब्रीफ गिलफर्ड साहब के बारे में। फिर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दिस मॉडल इज ए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बहुत तरीके की इंटेलिजेंस के एबिलिटीज के बारे में बात की जा रही है। ही बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट अ मोनोलिथिक ग्लोबल एट्रीब्यूट, यानी कि जो जी फैक्टर की बात की जा रही थी, जो स्पीयरमैन जी की बात कर रहे थे, जो अल्फ्रेड बिने जी की बात कर रहे थे, जो थर्स्टर ने भी बाद में जी को मान लिया, ये कह रहे हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस बिल्कुल भी कोई ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है, कोई एक सिंगल कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि क्या है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज दैट वर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ये थर्स्टन के साथ हमको खड़े दिखाई दे रहे हैं। थर्स्टन भी क्या कह रहे थे कि जो इनके ग्रुप फैक्टर्स हैं वो क्या है, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये थर्स्टन से डिफर करते हैं। फिर बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ थर्स्टन, गिलफर्ड रिजेक्ट्स चार्ल्स स्पीयरमैन, जैसे कि थर्स्टन चार्ल्स स्पीयरमैन को रिजेक्ट कर रहे हैं जी फैक्टर के मामले में, उसी तरह से गिलफर्ड भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि सिंगल न्यूमेरिकल पैरामीटर जी जनरल फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस से आप नहीं कह सकते हैं कि बुद्धि ये है, बल्कि, और फिर ये थर्स्टन को भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि थर्स्टन ने जो पीएमए की बात की उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। फिर ये किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, मतलब इनके अनुसार क्या है, सॉरी बुद्धि क्या है, बहुत सारी बौद्धिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। फिर अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड्स थियरी एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अंडरलाइंग मेंटल एबिलिटीज और फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ये बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, ना ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ना ये जी फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए फिर और क्या बात कर रहे हैं ये। अच्छा, एक बात और जानने की कि इनका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल कई बार मॉडिफाई हो चुका है। तो जो फर्स्ट वर्जन इसका आया था वो 1956 में आया था। फर्स्ट वर्जन ऑफ द एसओआई मॉडल वाज प्रेजेंटेड इन 1956 एंड दिस एसओआई एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज और फंक्शंस फॉर प्रोसेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेवरल वेज, यानी कि इनके हिसाब से बुद्धि क्या है, इनके हिसाब से बुद्धि एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है, मतलब हैपजर्ड कलेक्शन नहीं है, एक सिस्टम से कलेक्शन किया गया है, किसका, योग्यताओं का, जिससे हम क्या कर सकें, बहुत सारी तरीके से सूचना का प्रकेंद्रीकरण कर सकें, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बहुत सारे तरीकों की योग्यता को ही ये इंटेलिजेंस कह रहे हैं। मतलब कि हमारा मस्तिष्क जो है वो इंफॉर्मेशन इस तरह से, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये बात स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की कर रहे हैं इसलिए इसको साइकोमेट्रिक में रखा है। हाँ, और ये बता क्या रहे हैं कि सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एबिलिटीज है, जैसे कि फॉर प्रोसेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे सामने जितनी इंफॉर्मेशन आती है उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे कैसे करते हैं, कितने तरीके से, ये इसके पीछे थीम है। जब आप आगे देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। एक बात और खास कि ये थ्री डायमेंशनल मॉडल है, अभी तक किसी ने थ्री डायमेंशनल मॉडल की बात नहीं की थी, जितने भी हम लोगों ने पढ़े, यूनि फैक्टर, बाई फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, हायरार्किकल मॉडल, कोई भी थ्री डायमेंशनल मॉडल की बात नहीं कर रहा है। तो इनके जो थ्री डायमेंशन है कौन कौन से, कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट। प्रोसेस को आपको कई किताबों में, गूगल सर्च में आपको ऑपरेशंस भी मिलेगा, तो ये भी हो सकता है कंटेंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट, या हो सकता है कंटेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, मतलब एक ही है, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, ऑपरेशन का मतलब संक्रिया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कंटेंट का क्या मतलब है, गिलफर्ड के हिसाब से कंटेंट का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे सामने एक सूचना कितने प्रकार से आ सकती है। फिर प्रोसेस का क्या मतलब, व्हाट दी ब्रेन डज विद एंड टू दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा मस्तिष्क जो है वो जो इतनी प्रकार की सूचना हमारे सामने आती है उसको किस तरीके से क्या करता है।
उसके संग कैसे डील करता है। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि उत्पाद है, तो उत्पाद क्या निकल के आएगा, रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑपरेशंस टू स्पेसिफिक कंटेंट्स, यानी कि स्पेसिफिक कंटेंट पे हमने जो पर्टिकुलर ऑपरेशन अप्लाई किया है उससे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। समझ में आ गई बात? कंटेंट क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस क्या है, उस इंफॉर्मेशन पे ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, और प्रोडक्ट क्या है, उस इंफॉर्मेशन पे ब्रेन जैसे रिएक्ट करता है उसे निकल करके आता है। फिर अच्छा जो सॉरी जो हमने कहा कि इसके कई मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो जो ओरिजिनली फर्स्ट मॉडल इन्होंने दिया था उसमें इन्होंने चार तरीके के मेंटल कंटेंट बताए थे, पांच तरीके के ऑपरेशंस बताए थे और छह तरीके के प्रोडक्ट। तो आपको याद करने में भी आसान रहेगा कि फर्स्ट जो है इनका मॉडल उसमें चार पांच छह ये क्रम चल रहा है, 4 5 6। तो फोर टाइप्स जो मेंटल कंटेंट है उसके कौन कौन से डायमेंशन इन्होंने बताए, फिगरल, सिंबॉलिक, सीमेंटिक एंड बिहेवियरल। अभी ये बात में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिर जो फाइव टाइप के ऑपरेशन बताए वो कौन कौन से बताए, कॉग्निशन, मेमोरी, इवेल्युएशन, कन्वर्जन प्रोडक्शन एंड डाइवर्जन प्रोडक्शन। देखिए जो यहाँ पे ये डाइवर्जन प्रोडक्शन की बात करें वही बाद में क्रिएटिविटी को जन्म दे रहा है। यही से निकल के आया कि डाइवर्जेंट प्रोडक्शन जो है वो उसका मूल का किसमें नहीं है, क्रिएटिविटी में। फिर सिक्स टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं वो कौन कौन से हैं, यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। तो ये तो इनका फर्स्ट मॉडल है जिसमें कि ये चार कंटेंट बता रहे हैं, पांच ऑपरेशन बता रहे हैं, छह प्रोडक्ट बता रहे हैं। या इसका क्या मतलब कि इन चार तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है, ये पांच प्रकार की संक्रियाएं हम इस पर करते हैं और ये छह प्रकार के उत्पाद हमको मिलते हैं। फिर तो चूंकि थ्री डायमेंशनल मॉडल है ना, तो इसका क्यूब कर देंगे, यानी कि 4 × 5 × 6 करेंगे तो 4 × 5 = 20, 6 = 120। तो ये 120 फैक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें से 100 से ज्यादा तो इंपेरिकली कंफर्म किए जा चुके हैं। ये कह रहे हैं ना 20 जो बचे हैं, मतलब ये आशा है, संभावना है कि आगे कंफर्म कर लिए जाएंगे। फिर उसके बाद 1977 में ही अपने मॉडल को मॉडिफाई कर दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि जो फिगरल है इनका, फिगरल ये कहाँ गया, ये फिगरल, इसको ये बांट देते हैं दो में, विजुअल और ऑडिटरी। ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन है जो हमको मिल रही है, मतलब फिगर के रूप में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सिंबल के रूप में मिल सकती है, सीमेंटिक के रूप में मिल सकती है, बिहेवियर के रूप में मिल सकती है। लेकिन बाद में जाके रिसर्च करते करते इन्होंने इसको और मॉडिफाई कर दिया कि नहीं, फिगरल से भी दो निकल आ जाएंगे, कौन कौन से, विजुअल और ऑडिटरी। यानी कि फिगर हमको विजुअल भी मिल सकता है और ऑडिटरी भी मिल सकता है। फिर तो जब ये पांच हो गया तो हम इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 6, तो 5 × 5 = 30, 5 × 1 = 150। तो यही मॉडल बाद में क्या हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है। इन दिस वर्जन नंबर ऑफ सेल्स बिकम 150। बाद में ये क्या करते हैं और कालांतर में, ये जो मेमोरी है, ऑपरेशन की मेमोरी, इसको भी ये दो भागों में तोड़ दे रहे हैं, मेमोरी की रिकॉर्डिंग और मेमोरी का रिटेंशन। तो ये भी क्या हो गया, 6, यानी कि 6 × 36, और फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180। यानी कि शुरू इन्होंने 120 से किया था, फिर 150, और अब जो रीसेंट क्या, बहुत साल पुराना है लेकिन अभी इसमें कुछ नया इन्होंने नहीं जोड़ा है इनके डिसाइपल्स ने, तो ये 180 चल रहा है। तो सवाल बहुत इस पर पूछा जाता है कि कितने फैक्टर्स हैं, तो जो लोग अपडेटेड वर्जन नहीं पढ़ते हैं वो 120 को टिक कर देते हैं, कुछ 150 को टिक कर देते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर 180 होगा। 5 × 6 × 6, 5 × 6 = 30, 6 × 1 = 180। ओके, अब ये जान लें कि ये जो कंटेंट है वो है क्या क्या। फिगरल से दो निकले, विजुअल और ऑडिटरी। विजुअल क्या, देखो दोनों क्या है, फिगर है ना, लेकिन विजुअल मतलब कि ऐसा फिगर जो हमको विजुअल के फॉर्म में दिखाई देगा, ऑडिटरी मतलब ऐसा फिगर जो हमको सुनाई देगा सिर्फ। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ द रेटिना इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज, इमेज है तो विजुअल। इन द इन्फॉर्मेशन अराइजिंग फ्रॉम स्टिमुलेशन ऑफ द कॉक्लिया ऑफ द ईयर एज एन इमेज, तो ऑडिटरी है। सिंबॉलिक का मतलब कि हमको इन्फॉर्मेशन कैसे परसीव कर रहे हैं, सिंबल के रूप में अगर हम परसीव कर रहे हैं तो सिंबॉलिक है, अगर हम उसको वर्ड्स और सेंटेंसेस के रूप में परसीव कर रहे हैं तो वो सीमेंटिक है। और बिहेवियरल का मतलब एक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल के रूप में परसीव कर रहे हैं तो वो बिहेवियरल है। यहाँ एक बात बताने वाली है कि इसी बिहेवियरल को बाद में डेनियल गोलमैन सोशल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो यहीं से उठाते हैं, डेनियल गोलमैन जो बाद में इमोशनल इंटेलिजेंस पर जिनका बहुत पाइनियर वर्क है। तो ये बताने वाली बात। फिर उसके बाद ऑपरेशन हमारे
पांच है जो बाद में छह हो जाते हैं। कॉग्निशन का मतलब संज्ञान, संज्ञान का मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी या तो हम उसको समझेंगे या हम डिस्कवर करेंगे या उससे संज्ञान हम लेंगे या उसको याद कर लेंगे। कन्वर्जन प्रोडक्शन यानी कि उससे हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सोल्यूशन निकालेंगे तो कन्वर्जन, मल्टीपल सोल्यूशन निकालेंगे तो डाइवर्जेंट, और इवेल्युएशन का मतलब प्रोसेस ऑफ जजिंग। अब इसी मेमोरी को ये दो भाग में बांट देते हैं बाद में, तो हम मेमोरी को कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं, कितना रिटेन कर पाते हैं, ये सारी एबिलिटीज जब हम ये सारे ऑपरेशन जब हम किस पर करते हैं, कंटेंट पर करते हैं, तो मिलता क्या है, प्रोडक्ट मिलता है, ये हमको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यूनिट में क्या है, मतलब यूनिट का मतलब सिंगल आइटम है ना, सिंगल आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट। वही अगर सेट ऑफ आइटम बन जाएगा तो एक क्लास बन जाएगा, उसी क्लास में अगर रिप्रेजेंट्स ए कनेक्शन बिटवीन आइटम यानी कि क्लास के बीच में या आइटम्स के बीच में अगर हमको कनेक्शन मिल जाता है कि कोई एसोसिएशन है, कुछ बन रहा है, तो वो रिलेशन हो गया, संबंध बन गया। मतलब एक इकाई थी उससे वर्ग बना, वर्ग से हमको संबंध मिल गया, संबंध से निकाय बन जाएगा, कब, जब उसमें क्या आ जाएगा, एक संगठन आ जाएगा रिलेशन के साथ। फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि अल्टर कर जाएगी नॉलेज, बदल जाएगी, पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और इम्प्लीकेशन का मतलब कि हम क्या प्रिडिक्शन निकालते हैं, भविष्यवाणी हम क्या दे पा रहे हैं। तो हमारे पास क्या मिला था, सबसे पहले हमको मिला था कंटेंट, उस पर हमने क्या किया, प्रोसेसिंग, और फिर हमको क्या मिला, प्रोडक्ट। यही है एसओआई मॉडल गिलफर्ड का। इसको आप डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लीजिए तो बेहतर समझ में आएगा। कंटेंट देखिए, विजुअल ऑडिटरी सिंबोलिक सिमेंटिक बिहेवियर, प्रोडक्ट यूनिट क्लास रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लीकेशन और ऑपरेशन इवेल्युएशन कन्वर्जन प्रोडक्शन डाइवर्जन प्रोडक्शन मेमोरी रिटेंशन मेमोरी रिकॉर्डिंग और कॉग्निशन। तो ये इस तरह से 180 सेल बने हुए हैं इसमें, है ना। तो कोई भी एक अगर ये वाला ले ले तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, यूनिट कंटेंट बिहेवियरल पर, सॉरी अभी आपको ऐसे समझा देती हूँ। ये देखिए, अगर हम एक ये वाला ब्लॉक ले ले तो इसमें कंटेंट बिहेवियरल पे हम ऑपरेशन इवेल्युएशन का कर रहे हैं और निकल के क्या आ रहा है, यूनिट आ रहा है। इस तरह से कोई सा भी समझ सकते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ इसमें दिक्कतें भी हैं, क्योंकि हर थियरी में कुछ क्रिटिसिज्म आता है तभी नई थियरी आती है। तो क्रिटिसिज्म क्या है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गिलफर्ड फैक्टर्स आर सो नैरो एंड स्पेशलाइज, वो इतने संकीर्ण हैं कि हम उससे प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि व्यक्ति को, स्टूडेंट को हम कोई एजुकेशनल या वोकेशनल गाइडेंस कौन सी दें। क्यों? क्योंकि जब आप एजुकेशनल इंटेलिजेंस टेस्टिंग का आप एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं तो उसमें निकल के आता है कि हम वोकेशनल या एजुकेशनल गाइडेंस स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सके, तब तो उसका कोई मतलब है कि हम बता सकें कि तुम ये बन सकते हो, तुम्हारे लिए ये बढ़िया है, तुम इस फील्ड में जा सकते हो। पर इनका इतना नैरो है कि आपको ये बताना मुश्किल हो जाता है आपके लिहाज से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगी तो आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो इसको याद करना बहुत एक ट्रबलसम काम हो सकता है। बाकी तो आसान है याद करनी, और इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इतना बड़ा इसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है लिखने में कि फुल आंसर भी इस पर पूछा जा सकता है, और कई इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs भी बनते हैं। सो थैंक यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो, एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन गेट ऑल दीज बेनिफिट्स। एंड टू फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम, आप कर सकते हैं स्कैन टू ज्वाइन, या आप एक्सप्लोर अंडरस्कोर एजुकेशन टाइप करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल, आई हैव कंप्लीटेड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस थियरी टूडे, डन फ्रॉम माई साइड।